हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे पूरे 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। 50 प्रश्न इसलिए क्योंकि आपका यूपी टेट का जो सिलेबस है उसका कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो इस प्रैक्टिस सेट में कवर ना किया गया हो। यानी कि हर एक टॉपिक से चाहे कि प्रश्न हो लेकिन है प्रश्न, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस होगी, खासकर जब आप लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं तो उस टाइम पे कि आप कौन सा टॉपिक क्लियर हैं कौन से नहीं है, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर पाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा इसमें से फास्ट करेंगे। ओके, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। महेश्वर्य, महाधन, ऐश्वर्य ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है ये बताना है आपको, संधि का कौन सा नियम है ये बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होगा वो आ धन ए बराबर ए होगा। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ धन ए मिला तो ए ही बना, तो यही यहाँ पे नियम समाहित है। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं और उसको उनकी ध्वनियों के साथ जोड़ना है, और उसके बाद आपको कोड में से आंसर जो है फाइंड आउट करना है। तो कोड आपके ये हैं, देख लीजिए। तो देखिए हाथी जो है वो चिंघाड़ता है, तो आपका जो वन ऑप्शन है उसका हमेशा ई होना चाहिए, बड़ी ई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वन ए ऑप्शन नंबर ए पे ही जो है वन का बड़ी ई है। बाकी भी अगर हम मैच कर लेते हैं तो जैसे कि दो है आपका मेंढक, तो मेंढक यस टर्राता है, बंदर जो है वो क्या करता है कोंको करता है, और सांप जो है फुफकारता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे है। क्योंकि मतलब सिर्फ सोचा नहीं, राणा ने जैसा सोचा नहीं कि तब तक मैं चेतक उस पार पहुँच भी गया, तो मतलब ये बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है ना चीज़ों को, कितना फास्ट उसकी स्पीड को इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, कितना स्पीड थी उसकी, इतनी फास्ट था वो। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो गरिमा जो यहाँ पे है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी नहीं है। भारत भारती के रचनाकार हैं कौन, उत्तर सही होता है मैथिली शरण गुप्त जी। निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा, तो यह जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम शब्द हो जाता है। सेना के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, यानी कि जिसमें सही पर्यायवाची है सेना के, सारे पर्यायवाची सही हैं। तो अब यहां पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए वाहिनी कटक सैन्य, ये तीनों ही जो है वो सेना के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है, हवा आग समाचार वर्षा, जो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त तो होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर सी समाचार, हिंदी में ये आपका प्रयुक्त होता है एज बहुवचन। जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो आपका चैप्टर है वहां से है क्वेश्चन। तो उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी अगम्य। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है क्या, इस यानी इस वाक्य को आप चेंज करिए कर्मवाच्य में तो कैसा बनेगा। तो सही उत्तर होगा मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, दोनों ही लिखा होता तो सही उत्तर होता। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आ जाएगा एग्जाम में तो पता चलेगा हमने बेसिक तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, रिवाइज ही नहीं किया, ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतिपल जो है एक यौगिक, प्रति और पल ये दो चीजें जो है वो जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये एक यौगिक क्रिया विशेषण है। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, उत्तर होगा यहाँ पे सही पे आपका ऑप्शन नंबर ए वीरता।
इहां उहां दुई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन विसेखा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। अब यहाँ पे रस कौन सा है, बस आपको इतना बताना है। एक क्वेश्चन रस से, एक क्वेश्चन अलंकार से, निश्चित रूप से आने ही है यूपी टेट में, और सुपर टेट में भी आप पूछे जाते हैं। तो जो सही उत्तर यहाँ पे होता है इस प्रश्न के लिए, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत रस की यहाँ पे बात हुई है। जाहिर सी बात है, वीरता की बात या गुस्से की बात, भयानक की बात तो वैसे भी नहीं हो रही है यहाँ पे, मुस्कुराने की बात हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। तो आपके ये तीन ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते। राजर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो यस, यहाँ पे होता है राजा धन ऋषि, ये आपकी संधि हो जाएगी। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जितने भी लोग सही गैस करेंगे सबको एडवांस में वेरी गुड, गैस करिए जल्दी से। तो यहाँ पे सही उत्तर जो इस प्रश्न के लिए होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, असूर्यपश्या, ये कहलाती है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ये इस टाइप के क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर 17 हो जाता है, फ्रांसीसी भाषा से इसका संबंध है, हालांकि अब इसे हिंदी में यूज़ करने लगे हैं। जहाँ दो भिन्न पदार्थों में सादृश्यता का प्रतिपादन हो, वहाँ अलंकार होता है कौन सा? तो उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, दो अलग अलग वस्तुओं में सादृश्यता दर्शाई जाए वहाँ पे। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीरज जो है नहीं है, नीरज किसका पर्यायवाची है कमेंट करिए फटाफट से, कमल का है ना। आहा चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में आहा आहा क्या है? आहा चोर पकड़ा गया, तो यहाँ पे आह क्या है आपका? यहाँ पे आह है विस्मय आदि बोधक शब्द है, और इसका सबसे बड़ी पहचान है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो लगा हुआ है इसके बाद। प्रश्न में तीन वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। फटाफट से देख लीजिए, ये चार वाक्य यहाँ पे हैं, तो आपको क्या बताना है जो जिसमें त्रुटि हो। चलिए देख लेते हैं, हमारा जो पहला है ए है, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिका है, तो गाय का शुद्ध घी ये होना चाहिए था ना, तो ये गलत है आपका, तो ये त्रुटिहीन वाला यही होगा आपका ऑप्शन। बाकी मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, ये सही है दोनों वाक्य। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? ई जो आप बोलते हैं वो अवृत्त मुखी स्वर है ई। देखिए ऊ बोलेंगे आप, ऊ अच्छा अभी उच्चारण करिए सभी लोग, ऊ का ओ का, तो आपके जो होंठ होंगे वैसे गोल गोल हो, वृत्त वृत्ताकार बने होंगे ना उच्चारण करते वक्त, लेकिन ई जब आप बोल रहे हैं तो वृत्त नहीं बन रहा है, इसीलिए ये अवृत्त मुखी स्वर है, इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। अब क्वेश्चन पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करिए प्लीज, मोटिवेशन मिलता है इससे। अवधी बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? बहुत फेमस है और फिल्म के कारण थोड़ा सा भी हाल ही में चर्चा में रहा है ये। तो यह सही उत्तर इस प्रश्न का जो हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास कहलाता है, जहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध होता है। जिससे जगा हुआ भाव तीव्र होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन विभाव। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। ब्लैंक पीकर कोयल अपने ब्लैंक में जाकर बैठ गई, और ऑप्शंस आपके सामने हैं।
जो लोग चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो, और उसके बाद सुपर टेट की क्लास प्रॉपर चलेगी हमारे इस चैनल पे, और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट चलेंगे हमारे दूसरे चैनल पे यानी कि एग्ज़ाम डोज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीर नीड। नीर मतलब पानी पी के, और नीड मतलब उसका घोंसला। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर ब्लैंक उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे अत्यंत का, तो क्या उपसर्ग मिलेगा आपको, अलग होगा। आसान है, तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी, अति मिल जाएगा ना, अतिधनंत। अगला प्रश्न है, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। ये पंक्तियों में छंद कौन सा है, बस आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका रोला छंद है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के अनुसार जो है वाक्य के आपके करीब 8 भेद माने जाएंगे। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, जिसमें पर लगा हुआ हो। तो जो इसका सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर, चाहे आपने सी गेस किया हो तो भी सही है, आपने डी गेस किया हो तो भी सही है, क्योंकि दोनों ही सेम ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। रातों रात में समास है कौन सा, तो यस यहाँ पे रातों रात में कौन, जब इस टाइप का आपका एक ही लाइन जो है वो बार बार और योजक चिन्ह के साथ में रिपीट होती है, जैसे साथ साथ, ठीक है, कभी कभी, रातों रात, तो हमेशा आपका अव्ययी भाव समास ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। भले अब इसमें अव्यय नहीं लगा हुआ है लेकिन तब भी अव्ययी भाव समास होगा, तो ये एक केस है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि आप इसे द्वंद्व थोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पद नहीं है, रात की ही बात हो रही है, ना तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है कि ये तत्पुरुष हो, विशेषण विशेष्य का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है, तो हमेशा जो इस साथ साथ, कभी कभी, रातों रात, ठीक है, धीरे धीरे, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे आपके साथ में और बीच में डैश लगा रहेगा, वो अव्ययी भाव समास होते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है कौन सा, जिसमें मतलब दोनों शब्द जो एक दूसरे के विलोम ना हो, वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सचल चल, ठीक है, चल अचल होता है, सचल नहीं होता है, तो जो ही आपका गलत है, तो यही सही आंसर हो जाता है। जहां प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां कौन सा छंद होता है, तो ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आती है तो वहां पे आपका छंद होता है वर्ण वृत्त। निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे शब्दों के प्रकार, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी में पढ़ा रखी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लासेस क्यों, मतलब थ्योरी क्यों नहीं पढ़ा रही, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अब अगर आप चाहते हैं तो वही चीज़ जो मैंने पढ़ा रखी है, जिसका वीडियो अवेलेबल है, उसी चीज़ को, वही कंटेंट उठा के मैं फिर से वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो उसमें प्रॉफिट ही होगा, आपको भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका समय नष्ट होगा ना, जो चीज़ अवेलेबल है तो उसी पे वर्क करने के से बेटर है कि हम और क्वेश्चंस लाएं उसी टाइम को, आपके लिए और बेहतरीन चीज़ें लाने की कोशिश करें। तो सब कुछ अवेलेबल है, सब थ्योरी पढ़ाई है, चेक करिएगा हिंदी वाली प्लेलिस्ट में, सब मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारी। आरसी का अर्थ ब्लैंक होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो ऐसा होता है ना, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो यानी कि आरसी का एक अर्थ होता है वैदिक वाणी, और दूसरा अर्थ क्या होता है इनमें से, वो आपको बताना है। तो यह सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्पण मिरर शीशा, जिसको आप कहते हैं वो आरसी है ना, एक कहावत भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी को, ऐसे करके, है ना, तो वहाँ आरसी का मतलब क्या होता है, दर्पण होता है। अच्छा चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पद्यांश पढ़ के उसके आधार पे चार प्रश्नों के उत्तर दे रही है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यूपी टेट में जब ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ पे आपको जनरली दो क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए चार मैंने इंक्लूड
केयर है, तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत छोटी सी लाइंस है। और यूपी टेट में सी टेट की तरह बड़े से पैसेज, बड़ा सा पैसेज नहीं आता है, जनरली रेयर ही है कि कभी आ जाए, नहीं आता है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। अब यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल सा है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं, सबने ये क्लास 6th वगैरह में पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में, तो चलिए देख लेते हैं। हवा अपना परिचय किस प्रकार दे रही है, पहला प्रश्न आपका यही बनता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, तो हम आगे क्यों बढ़े। हवा अपना परिचय बसंती हवा के रूप में दे रही है, ये बहुत आसान होते हैं पैसेज सॉल्व करना। इस पद्यांश का शीर्षक बताइए। यस, सभी ने सही गेस किया, बसंती हवा इसका शीर्षक है। हवा की क्या क्या विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पे अब आपको एक बार ऑप्शन थोड़ा सा देखना होगा, तो देख लीजिए। जो आपकी लाइंस थी वो क्या थी कि हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी बड़ी बावली हूँ, तो बसंती है, बावली वर्ड आया था, मस्तमौला वर्ड आया था, निडर वर्ड आया था, और जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, इस तरह से आया था। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हवा बावली है, मस्तमौला बेफिक्र निडर स्वच्छंद है, और इधर उधर घूमने वाली अनोखी मुसाफिर है। बसंती हवा को मस्तमौला क्यों कहा गया है। अभी प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं, 50 प्रश्न है पूरे, ये 40 तक ही ये पैसेज से रहेगा, फिर उसके बाद आपके प्रश्न आ जाएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह बिना फिक्र के निडरता पूर्वक इधर उधर घूमती रहती है, इसीलिए उसे मस्तमौला कहा गया। लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, बसंती हवा को एक अजीब मुसाफिर की संज्ञा क्यों दी गई है। एक्चुअली 5 क्वेश्चन थे, 4 नहीं थे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह सभी जगह पर निडर और स्वतंत्र रूप से मन के मुताबिक घूमती रहती है, वही आपका ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, अब यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है ये आपको पहचानना है। तो ये आपका अव्यय है। पृथक का सही विलोम क्या होगा, पृथक का सही विलोम होगा संयुक्त, पृथक मतलब किसी चीज से अलग, संयुक्त मतलब एक साथ। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया इस प्रैक्टिस सेट में, शेयर करिएगा अपने सभी ग्रुप्स में और अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज, ये आप सबसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका एंडोर्समेंट। केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात ना होना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कागजी घोड़े दौड़ाना। दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंशों को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि ना होने पर डी विकल्प उत्तर दीजिए। इस तरह का प्रश्न पूछता है, ठीक है, देखिएगा। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में, ये पूरे पार्ट है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में यहाँ गलती है, इसमें इसमें या इसमें या फिर किसी में नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि ये और कभी अर्थों में यहाँ पे जो है मिस्टेक है। तो ये होना चाहिए था कि काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होती है ना, ऐसा होना चाहिए था, शब्दों में होता है और कभी अर्थों में। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे होती है, मैंने बाय मिस्टेक बोला है, क्योंकि शोभा के बाद चमत्कार वर्ड आ गया, चमत्कार के साथ होता है वर्ड आता है, ठीक है, तो ये होता है ही सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। और कभी अर्थों में, अर्थों में की जगह अर्थ में होना चाहिए था, अर्थों नहीं होता है, शब्द का तो होता है शब्दों, अर्थ का अर्थ ही होता है बेसिकली इस सिचुएशन में। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इस तरह का एक प्रश्न आएगा वर्तनी वाला, है ना, ये यूपी टेट में हर बार पूछा गया है, सेम यही क्वेश्चन नहीं, लेकिन मतलब शब्द ये अलग अलग रहे हैं हर बार। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, फर्स्ट नंबर फिक्स है, भारतीय गांव के पहला शब्द, पहला वाक्य होना चाहिए।
करना होगा, लास्ट होना चाहिए। बाकी जो है इन्हें आपको क्रम से लगाना है और ऑप्शन जो है सही टिक करना है, इसका सही क्रम क्या होगा। है ना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। यूपी टेट के बाद जितने भी लोगों को सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो भी, क्योंकि नोटिफिकेशन का मेरे चैनल पे शुरू से इशू रहा है, अभी भी है, नहीं ख़त्म हो रहा है। बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर चलाए लेकिन नहीं हो रहा है, मेल किए बहुत सारे यूट्यूब को, नहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तो नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दिया करिए ताकि शायद नोटिफिकेशन आपको चला जाए। बाकी चैनल के पेज पे आप प्लीज़ एक बार चेक कर लिया करिए, या तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो वहाँ पे मैं सारे लिंक जो है शेयर कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पहले आपका है भारतीय गाँवों के, उसके बाद सुधार के लिए, ये होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए अभी भारत सरकार को, फिर होगा और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, ये पूरा आपका सेंटेंस बनेगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। मंत्र वह ब्लैंक है जो अक्षरों और शब्दों के ब्लैंक से बनती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनती है। मंत्र को बेसिकली ध्वनि के रूप में ही जाना जाता है, मंत्रों को। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय का मतलब क्या होता है? जिसका व्यय ना हो, जो हर सिचुएशन में एज इट इज यूज किया जाए, उसमें कोई मात्रा लगा के उसका बहुवचन या कुछ लिंग परिवर्तन, ये सारी चीजें उसमें ना की जाए। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसे जो है यहाँ पे हो जाता है अव्यय, किसे जो, सॉरी, किसे जो है वो अव्यय नहीं है, बाकी सारे कल आज इधर अव्यय हैं, ये हो जाएगा, पूछा था कि नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। उत्तर यहाँ पे क्या होगा, हवा चल रही है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया, धारा भी स्त्रीलिंग ही शब्द के अंतर्गत आता है हिंदी में, शिक्षा भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो सही उत्तर होगा कोयला जो है, कोयला काला है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। और ये आज के क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, और रेगुलर आपके एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेट चलेगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।